जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नए सवाल के साथ हाजिर हूँ। और जो है दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है सभी लोगों के लिए। जो लोग जो है मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो उनको जो है घर से, अपने घर से चलते टाइम क्या क्या कार्यक्रम करना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें दोस्तों आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ एक बार फिर आपके घर का कल्याण करें। बाबा की कृपा आपके घर पर अपरंपार बनी रहे, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करता हूँ आप सबके परिवार के लिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अगर कोई व्यक्ति मन कर्म वचन ध्यान से बालाजी महाराज से जुड़ता है, हनुमान जी महाराज से जुड़ता है, तो उसके परिवार में ना तो रोग रहता है, ना दरिद्र रहता है, ना आत्मा रहती है, ना प्रेत व्याधा रहती है, बल्कि उसके घर के श्रेष्ठ पितर भी उसका साथ देते हैं। ऐसी श्री बालाजी महाराज की अपरंपार कृपा है। और बालाजी जाने से पहले मैं आपको किस प्रकार जाना चाहिए और अपने घर में ऐसा क्या करें जो सभी के सभी संकट मेहंदीपुर बालाजी चले जाएं। और घर में अगर संकट नहीं भी है तब भी हम मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं तो हमें किस प्रकार के नियम और विधि और कानून बालाजी महाराज के अपना के चलने चाहिए। हमारा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है सिर्फ आपको बाबा का अधिक से अधिक ज्ञान पहुंचाना है। और इस ज्ञान के माध्यम से एक ये चैनल ही एक ऐसा सूत्र है जिस माध्यम से ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। तो मेरी एक विनती है आपसे, कृपया इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और जो बाबा के भक्त हैं जिनको अभी मेहंदीपुर के रूल रेगुलेशन नहीं पता या वो इस प्रकार की विद्या को नहीं जानते या ऐसे कहीं अडंबरों में फंसे हुए हैं तो उनका माइंड, उनका ब्रेन वाश हो जाए और वो बाबा के चमत्कारों को जान सके, मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों के बारे में जान सके, ऐसा हमारा उद्देश्य है। तो शुरू करते हैं वीडियो। आपका क्या, आपको क्या करना चाहिए? अगर जे कोई व्यक्ति जनरली मेहंदीपुर जा रहा है जिसमें कोई संकट नहीं है तो उस प्रकार के व्यक्ति को कैसा कार्यक्रम करना चाहिए? उस प्रकार के व्यक्ति को एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लीजिए और उसमें एक नारियल, बाजना नारियल होता है, एक बजने वाला नारियल, और 10 रुपये की दरखास्त और कलावे से कम से कम 7 बार लपेटा, 7 बार लपेटा, और अपने पूरे परिवार के ऊपर से 21 बार वारना है। और उस वारने से पहले एक 10 रुपये की दरखास्त श्री बालाजी महाराज मेहंदीपुर सरकार के नाम की लगानी है। क्या कहना है दरखास्त में? कहना है कि हे बाबा, मेरे घर में, मेरे परिवार में किसी भी प्रकार का रोग दोष या कोई भी अभद्र शक्तियां वास करती हों या कोई दुख ग्रह पीड़ा कोई भी हो, बाबा मेरे शरीर से सभी की सभी पीड़ाएं मेहंदीपुर चलने को तैयार रहें, ऐसा कार्य करना है। अब ये तो उनका है जो पहली बार मेहंदीपुर जा रहे हैं और उनको पता नहीं है कि किस प्रकार का कार्य करना है, तो इस प्रकार से करके करना है। अगर किसी के घर में संकट है, अब वो संकट मेहंदीपुर लेके जा रहे हो आप, तो किस प्रकार लेके जाना है? बाबा के नाम का 1.25 मीटर कपड़ा आपने निकालना है और उसमें एक बाजना नारियल, कौन से कलर का कपड़ा होना, लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए, बाबा पे लाल ही रंग का कपड़ा चढ़ता है और लाल रंग का कपड़ा पितरों पे सफेद रंग का चढ़ता है, पितरों पे मैं फिर बनाऊंगा
पितरों को भी कैसे स्थान छोड़ा जाता है मेहंदीपुर में, तो अगर कोई अगर ऐप भद्र पितर है तो उनको किस प्रकार सदगति कराई जाती है, ये भी हम कभी वीडियो बनाएंगे इसके भी आगे। तो इस प्रकार क्या है कि जब हम कपड़ा ले लेंगे, कपड़े को बिछा लीजिए, उसके अंदर घर के चारों कोनों में आप चावल पीले करके रख दीजिए। अगर आपका मकान खुद का है तो चारों कोनों की मिट्टी ले लीजिए, अगर मिट्टी नहीं होती तो घर के चारों कोनों में हल्दी लगाकर चावल पीले कीजिए। और नारियल रखिए, नारियल के अंदर चावल आप ले लीजिए और एक कोने में चावल और उसके अंदर तकरीबन 7 लौंग, और आपको 7 लौंग लेनी है, 1 जायफल लेना है और 10 रुपए की दरकास लेनी है और बांधना है इस प्रकार एक कोने को और दूसरे कोने को ऐसे करके आपने लपेट लेना है और 3 प्रकार आपने 3 बार कलावा बांधना है। और जो घर का रोगी है उस व्यक्ति के सिर पर पहले आपने इस प्रकार प्रार्थना करनी है, हे बाबा जो भी कोई संकट है इसके शरीर पर आ जाए और इसके शरीर के माध्यम से सभी के सभी संकट मेहंदीपुर में पहुंच जाएं। तो पूरे परिवार को, जब रोगी भी बीच में बैठा होना चाहिए, पूरे परिवार को ऐसे कर आपने वार देना है 21 बार, और फिर रोगी पर दोबारा फिर एक बार वारना है। जब आप रोगी पर दोबारा फिर एक बार वारोगे तो उससे क्या होगा, जो घर में जो भी कोई संकट होगा रोगी के शरीर पर दोबारा उसी प्रकार से खींचा जाएगा और उस नारियल के माध्यम से मेहंदीपुर चलने पर तत्पर रहेगा। और घर के हर कमरे में बाबा का नारियल लेकर आपने घूम के जाना है, आपके हर कमरे के अंदर फेरा पाके आना है, घर के कोई भी कमरा आपका रहना नहीं चाहिए। और ये कहना चाहिए, हे बालाजी महाराज हमारे घर के अंदर इस प्रकार की दिक्कत है, ये कड़ी कड़ाई है, ओपरी पढ़ाई है, हम नहीं जानते बाबा कहाँ से कोई चीज़ भेजी हुई है या क्या है, इस प्रकार का कार्य है, आप बाबा बताइए किस प्रकार हमने कार्य करना है। तो इस प्रकार जाकर आपने मेहंदीपुर बालाजी के श्री चरणों में जाकर वो नारियल, वो पहला जो मैंने बताया है जो पहली बार जा रहे हैं वो भी, और जो अब दूसरी बार जो जा चुके हैं या संकट लेके जा रहे हैं वो भी। मैं इसमें दुकान के बारे में भी बताऊंगा, अगर मैं आज ओसारे पे ही बनाऊंगा ये वीडियो कि घर से आपने ओसारा बनाकर कैसे जाना है। तो आपने क्या करना है, जब उसके बाद आपने बाबा के चरणों में उस नारियल को अर्पण करना है, जब 10 रुपए की दरखास्त के साथ जब मेहंदीपुर में आप जाते वक्त लगाते हो, तो अगर कई बार पंडित वहाँ पर जो पुजारी लोग होते हैं वो धक्का मार देते हैं, चलो भैया आगे चलो आगे चलो, नारियल आपका नहीं छूटता, तो आप भैरव बाबा के चरणों में भी अर्पण करते हो। अगर भैरव बाबा के चरणों पे भी नहीं अर्पण होता तो प्रेतरा सरकार के वहाँ कर दो, वहाँ भी नहीं होता तो दीवान सरकार के कर दो, अगर दीवान सरकार के भी नहीं होता तो कहीं ना कहीं बालाजी के मंदिर में आप उस नारियल को रख सकते हो। ये मत सोचना कि बाबा के पास आपका वो नारियल स्वीकार नहीं हुआ, बाबा के मंदिर में जो भी चीज आती है सब स्वीकार होती है बाबा को, बाबा अपने भक्तों को लाखों की भीड़ में भी पहचान लेते हैं। तो इस प्रकार का कार्य करिए। और दुकान पे अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि वो दुकान के कार्य कारोबार के कार्य के लिए जा रहा है, कोई फैक्ट्री का मालिक है, बार बार फैक्ट्रियों में रुकावट आ रही है, काम नहीं बन रहे, फैक्ट्रियों के अंदर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो फैक्ट्रियों में किस प्रकार जाना है, उसने अपनी फैक्ट्रियों के अंदर, अगर फैक्ट्री खुद की है तब तो वो चारों कोनों की मिट्टी ले लीजिए, अगर फैक्ट्री खुद की नहीं है तो अपने घर के अपनी फैक्ट्री के या दुकान के चारों कोनों में उसको जौ और चावल एक बाबा की कटोरी ले लेना, एक कटोरी स्टील की कटोरियां होती हैं छोटी, वो कटोरी लेकर मुद्दे मार देना, उसके ऊपर ईंट रख देना चारों कोनों के अंदर, और अगले दिन सवेरे उठा लेना और इकट्ठा कर लेना। उसी प्रकार 2.25 मीटर कपड़ा आपने लेना है और उसके अंदर 11 काली मिर्च डालनी है आपने, साबुत काली मिर्च, और उसी प्रकार उसी के अंदर आपने क्या करना है, 3 लौंग डालनी है,
मेरी बात को नोट कर लेना, 3 लोंग डालनी है और उसी प्रकार 10 रुपए की दरखास्त डालनी है। आपने उसके अंदर तुरंत आपने गांठ मार देनी है और ऊपर की तरफ खींच लेनी है और बजना नारियल लेकर कपड़े को सारी तरफ से लपेट लेना है और 3 बार उसके ऊपर फेरा डालना है। अब घर दुकान का जो प्रोप्राइटर है, जो दुकान का स्वामी है, दुकान का मालिक है, अपने ऊपर से 21 बार वारे, 21 बार वारने के बाद इस प्रकार की प्रार्थना करे कि हे बालाजी महाराज, हमारे दरबार, हमारे व्यापार में करी कराई मारासन क्रिया, तंत्र क्रिया, उच्चाटन क्रिया, स्तंभन क्रिया, अघोर क्रिया, महाशक्ति क्रिया, जो भी जितनी भी अभद्र शक्तियां हैं हमारी दुकान पर, वो सब के सब इस नारियल के अंदर कैद होकर श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में हम उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। उनका हिसाब किताब बाबा करेंगे। और जब आप मेहंदीपुर में जाते हो, 10 रुपए की दरखास्त लेकर जब बाबा के श्री चरणों में आप छोड़ते हो, तो आपने प्रार्थना करनी है, हे प्रभु इस चीज़ को यहीं रखिए, मेरे घर में इस प्रकार की आपदा ना आए। बाबा मैं आपके श्री चरणों का भक्त बनना चाहता हूँ और मेहंदीपुर से नित्य नियम के साथ जुड़ना चाहता हूँ। और मेहंदीपुर के भक्त जो जुड़ना चाहते हैं, धर्म के प्रति कल्याण का कार्य करना चाहता हूँ। बाबा जो व्यापार है वो पेट, अपने पापी पेट के लिए करते हैं, हम दिन में 100 बार झूठ बोलते हैं। बाबा अगर तनिक किसी भी प्रकार की कोई भी गलती या कोई मुद्रा ऐसी हो गई हो जो व्यापार पर रहकर हमने कई प्रकार का पाप किया हो, तो हे श्री बालाजी महाराज हम क्षमा याचना करते हैं आपसे। और कभी भी धर्म के कार्य करते रहेंगे और कभी भी इस प्रकार का अनगिनत कार्य नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का कार्य कर आपको मेहंदीपुर बालाजी में जाना होगा। और मेहंदीपुर बालाजी में जब इस प्रकार का कार्य कर आप जाओगे, तो यकीन मानिए आपके घर के अंदर, और ऐसे ही नारियल पूरी फैक्ट्री में घुमाना होगा आपने। अगर फैक्ट्री में हो, दुकान में हो, तो व्यापार का स्वामी जो होगा अपने ऊपर से वारेगा। अगर 3 स्वामी हैं तो 3 अपने ऊपर से वारेंगे। अगर एक है तो एक वारेगा। अगर कोई 70-75% का पार्टनर है तो वो भी इस प्रकार से वार कर श्री मेहंदीपुर बालाजी में वो जाएगा। और सबसे पहले घर के, अभी आप ये देख लीजिए कि जब कब आप ये काम करोगे, तो सबसे पहले दरखास्त ज़रूर लगानी है आपने। जितने घर के सदस्य हैं उतनी ही दरखास्त से लगा के कार्य करो, तो ज़्यादा उचित माना जाएगा, ज़्यादा उचित प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। और लास्ट में एक दरखास्त आप ये लगा दीजिए कि हे श्री बालाजी महाराज, अगर हमारे द्वारा कोई भी कार्य करने में कोई त्रुटि रह गई है, गलती रह गई है या किसी भी प्रकार का कोई भूल चूक हो गई है हमारे से, तो हे मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों, हमारे इस कार्य को परिपूर्ण कीजिए, सिरे चढ़ाइए हमारे कार्य को। और जो भी चीज़ है घर में ना रहे, आपकी दरखास्त के माध्यम से तुरंत मेहंदीपुर में पहुंच जाए। जब आप दरखास्त लगाते हो तो बाबा की सेना तुरंत आकर सभी संकटों को मेहंदीपुर खींच के ले जाती है। सिर्फ आपकी सच्ची भक्ति और निष्ठा ही श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार में अगर आप सच्चे मन से मांगोगे, तो यकीन मानिए उसके बाद आप स्वयं कहोगे कि हमारे घर का जो संकट है, हमने मेहंदीपुर में इस प्रकार से गए थे और गुरु जी के माध्यम से हमने ये चीज पूछी थी, तो आप यकीन मानिए संकट द्वारा उभरने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जब संकट, जब वहाँ अर्जी लगती है आपकी, अर्जी भी लगाए, इस प्रकार का व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है तो अर्जी भी लगाना अनिवार्य है। अर्जी के बाद परहेज भी चलते हैं और परहेज करना भी अनिवार्य है। जब व्यक्ति परहेज करता है तो उसके घर में कभी भी करी कराई, ओपरी पराई इस प्रकार के कार्य दस्तक नहीं देते। और अर्जी लगाने से बाबा की कृपा से 1 साल तक आपका घर सुरक्षित हो जाता है। 2 साल तक अगर आप किसी, अब जैसे जिन्होंने पिछले साल अर्जी लगाई थी तो इस साल 2 साल के करीब हो गए, अगर वो नहीं गए तो उनका 2-3 साल तक बाबा की कृपा भरपूर रहेगी। और संकट वहाँ पर जो आप छोड़ के आए हो, इस प्रकार का कार्य अगर व्यक्ति ना करे, अपने घर में आके फैक्ट्री में दारू मदिरा या सेवन ना करे, या घर में अपने घर के चूल्हे से अगर ऐसा कार्य ना करे, तो संकट वापस आने के चांस नहीं होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री राम का नारा जरूर लगाए करें। कमेंट वीडियो को देखकर छोड़े ना करें। प्रभु श्री राम का जयकारे में जितना दम है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।